आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर औरैया में आज़ादी का अमृत महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी एस रेखा चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत शांति के प्रतीक कलरफुल गुब्बारे उड़ाकर की। जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शासन द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह महोत्सव 12 मार्च से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य समस्त जनपदवासियों को आज़ादी के गौरवपूर्ण इतिहास और महत्व को जागरूक किया जाना है। विशेषकर युवा पीढ़ी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नवीन चेतना से परिपूर्ण किया जाना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च से 5 अप्रैल तक महात्मा गांधी जी द्वारा आयोजित ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में साबरमती आश्रम से इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी जनता अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस महोत्सव को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर साइकिल सवारों द्वारा स्वतंत्रता की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहीद स्मारक पहुंची। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा संगोष्ठी सेमिनार निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया, जिसमें छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष गाथा के विषय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला सूचना अधिकारी को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। दांडी के 75 वर्ष पूरे होने और दांडी मार्च का जो स्टार्टिंग थी, जो हमारे आज़ादी का एक मेजर माइलस्टोन था, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि आज़ादी की जो चीज़ें थी, आज़ादी के जो आदर्श थे हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट के जो आदर्श थे, उन आदर्शों को लोग समझ सकें, उन आदर्शों को लोग एक तरह से सजीव रूप में जी सकें और साथ में उन आदर्शों को हम आगे बढ़ा सकें, जिससे देश का एकीकरण हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो परिकल्पना है वह पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।